वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुमकुम भाग्य का जो एक प्रोमो रिलीज किया गया था उसमें पूर्वी कौन है, क्या यहाँ पर वो प्राची की दूसरी बेटी है, और आखिर में यहाँ पर कौन है जो कि यहाँ पर राजवंश जो अब लेने वाला है बदला, वो भी यहाँ पर पूर्वी से, और आधी रस्म में वो क्यों निभा रहा है, और साथ ही साथ ऐसा क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में कुमकुम भाग्य की जो सबसे बड़ा ट्विस्ट लाएगा। चलिए इन सभी बातों के बारे में आपको बताएंगे जल्दी से इस वीडियो के अंदर। उसे बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, और आप सब में से कई लोग सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि उससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। हम आपके लिए ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट लाते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आने वाले एपिसोड के बारे में बात करें तो यहाँ पर अब काफी ज्यादा बड़े ट्विस्ट आएंगे। रणवीर और प्राची को अलग करने के लिए अक्षय और मिहिका मिलकर नया प्लान बनाएंगे। ये प्लान उनका कामयाब होगा या फिर नहीं उसके बारे में डिटेल वीडियो हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करा रखी है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर सबसे बड़े और बेहतरीन ट्विस्ट की, तो आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पर रणवीर और प्राची के बीच में दूरियां थोड़ी बहुत आएंगी। और बात करते हैं यहाँ पर किसी और के नहीं बल्कि पूर्वी की, तो पूर्वी का कनेक्शन यहाँ पर प्राची से होगा और प्राची की वो बेटी ही होने वाली है। लेकिन अब आखिर में यहाँ पर वो सगी बेटी होगी या फिर यहाँ पर फिर एक बार फिर से नाम बदल दिया गया है खुशी का, लेकिन अगर खुशी यहाँ पर है तो आखिर में पूरी तरह से पूर्वी नाम क्यों रखा गया, ये सवाल उठता है। अभी यहाँ पर इस बात को क्लियर कर देते हैं, जो पूर्वी है वो यहाँ पर प्राची की ही बेटी है, लेकिन यहाँ पर अब वो कैसे और किस तरह से और आखिर में क्या हुआ यहाँ पर खुशी का, उसके बारे में आपको पता चलेगा। खुशी को अब यहाँ पर आप सब थोड़ा रुक कर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर पूर्वी की कहानी आगे बढ़ाई जाएगी। पूर्वी और राजवंश मिलने वाले हैं जैसे ही रणवीर और प्राची मिले थे, लेकिन अब यहाँ पर पूर्वी इतनी ज्यादा मासूम और इतनी ज्यादा यहाँ पर केयरिंग थी, वहीं दूसरी तरफ राजवंश अब यहाँ पर एक अपने मोटिव के साथ में पूर्वी के पास आने वाला है। पूर्वी कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर चाहती है एक साथ और एक प्यार करने वाला जो कि उसका साथ निभाए, उसके साथ प्यार करे और उसके साथ में हमेशा पूरी लाइफ टाइम रहे। लेकिन वहीं राजवंश का यहाँ पर काम कुछ और है। पहले वो पूर्वी से मिलेगा और उसके साथ साथ उससे नजदीकियां बढ़ाएगा, और पूर्वी और राजवंश जब मिलेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग ही पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मूवमेंट, लेकिन उसके बाद में कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी, जिसमें आप सबको देखने को मिलेगा कि राजवंश अब यहाँ पर अपना असली चेहरा नजर दिखाएगा, जिसमें यहाँ पर राजवंश अपना एक मोटिव निकालेगा और एक मोटिव की वजह से ही वो यहाँ पर आएगा, वो भी पूर्वी की लाइफ में। और वो मोटिव क्या होगा वो तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन राजवंश और यहाँ पर पूर्वी की कहानी पहले काफी ज्यादा अच्छी बीतेगी, जिसके बाद में अब आएगा एक बेहतरीन ट्विस्ट। अब बात करते हैं राजवंश और पूर्वी के आने वाले यहाँ पर जो लाइफ में सबसे बड़े ट्विस्ट की, तो राजवंश और पूर्वी की दोनों की शादी होगी, लेकिन राजवंश अपना मोटिव पूरा करने के लिए पूर्वी को यहाँ पर काफी ज्यादा तंग करने वाला है, और उसके साथ साथ यहाँ पर प्राची भी नजर आएगी, रणवीर भी नजर आएगा, लेकिन रणवीर का यहाँ पर कैरेक्टर आपको डिले देखने को मिलेगा, जो कि आप सबको यहाँ पर रीजन बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ये नया प्रोमो और ये डिटेल वीडियो देखकर कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट मिलते रहेगी। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ में। थैंक यू।